हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टॉपिक नंबर 6, अंतर्व्यक्तिक संबंध, जो आज का लास्ट टॉपिक है। देखिए, लास्ट टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि का टॉपिक नंबर 6, अंतर्व्यक्तिक संबंध। देखिए, पांच टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं। उसमें देखिए, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप देखिए एक बार वापस देख सकते हो टॉपिक को, और फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो देखिए आप पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल पर। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ आप देखिए आपको जो भी डाउट है उनको क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतर्व्यक्तिक संबंध होता क्या है, और देखिए एक शिक्षक को अंतर्व्यक्तिक संबंध कैसे बनाने चाहिए, और इसके गुण क्या होते हैं, और किन किन से अंतर्व्यक्तिक संबंध होना चाहिए, और इससे रिलेटेड फिर हम देखिए क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से। फिर देखिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं देखिए आज के सेशन की। देखिए क्या होता है अंतर्व्यक्तिक संबंध। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि अंतर्व्यक्तिक संबंध होता क्या है। दो या अधिक लोगों के बीच का संबंध, जो अंतर्व्यक्तिक संबंध है वो दो या दो से, यानी दो व्यक्ति और दो से अधिक लोगों के बीच का संबंध है, जो स्थिर या स्थायी स्वरूप का होता है। जैसे एक अध्यापक केवल विद्यालय से ही संबंध नहीं रखता। देखिए अंतर्व्यक्तिक संबंध का मतलब क्या होता है, यानी दो या दो से अधिक लोगों के मध्य क्या हो, संबंध हो, अच्छे संबंध होने चाहिए, घनिष्ठ संबंध होने चाहिए। अब देखिए घनिष्ठ संबंध कैसे होने चाहिए, यानी एक शिक्षक की जो व्यवहार होता है वो देखिए अच्छा होना चाहिए, यानी व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उसे मधुर, देखिए मधुर भाषा में उसे बात करनी चाहिए, कड़वे बोल देखिए नहीं बोलने चाहिए, तब क्या होगा अंतर्व्यक्तिक संबंध देखिए मजबूत रहेगा। तो यह दो या अधिक लोगों के बीच का संबंध होता है, क्या होता है अंतर्व्यक्तिक संबंध, जो स्थिर या स्थायी स्वरूप का होता है। जैसे अब देखिए एक एग्जांपल, जैसे एक अध्यापक केवल विद्यालय से ही संबंध नहीं रखता, बल्कि विद्यालय से संबंधित एवं असंबंधित प्रत्येक व्यक्ति से संबंध बनाकर चलता है। एक अध्यापक होता है, उसे देखिए एक विद्यालय से ही संबंध नहीं रखना, बल्कि क्या होता है विद्यालय से संबंधित एवं असंबंधित प्रत्येक व्यक्ति से देखिए संबंध बनाकर चलता है। अब देखिए संबंधित, विद्यालय से संबंधित तो कौन हो जाते हैं, जो प्रधाना अध्यापक होते हैं, छात्र होते हैं, और जो विद्यालय के जो वार्ड होते हैं और उसके जो साथी शिक्षक होते हैं, वो क्या हो गया विद्यालय से संबंधित हो गए। और असंबंधित जैसे समाज के लोगों से और जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनसे भी देखिए संबंध बनाकर चलना पड़ता है एक शिक्षक को। अतः उसे व्यवहारिक व्यक्ति होना चाहिए, यानी जो व्यवहार करने वाला, अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। किसे होना चाहिए, एक अध्यापक को होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं अध्यापक की ही बात करेंगे तो अध्यापक को ही देखिए, अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जिससे सभी व्यक्तियों से उसके संबंध मधुर एवं विश्वसनीय रहे। यदि एक अध्यापक दूसरे लोगों के साथ अच्छा संबंध करेगा, अच्छा व्यवहार दर्शाएगा, तो उससे क्या होगा, उसके संबंध होंगे वो मधुर होंगे और विश्वसनीय रहेंगे, यानी उस अध्यापक पर विश्वास करने लायक रहेंगे। तो आ गया समझ में अंतर्व्यक्तिक संबंध क्या होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, एक अध्यापक को उसका जो संबंध होना चाहिए वो मधुर और विश्वसनीय रहना चाहिए, उसका व्यवहार दूसरे लोगों के प्रति अच्छा होना चाहिए। तो ये क्या होगा, अंतर्व्यक्तिक संबंध होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि समाज होता है वो क्या होता है, उपतंत्रों का जाल होता है। अब देखिए उपतंत्रों का जाल कैसे होगा, समाज, समाज का प्रत्येक अंग छोटे छोटे उपतंत्रों से मिलकर बना है, जैसे विद्यालय। अब देखिए समाज कैसे बनेगा, उपतंत्र का अर्थ है यहाँ, जैसे
हमारा विद्यालय होता है, कोई भी चिकित्सालय होता है, कोई भी उद्योग धंधे होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? समाज के उपतंत्र बोलेंगे, क्योंकि समाज इनसे ही तो मिलकर बना होता है। क्योंकि समाज क्या होगा, समाज में कुछ व्यवसाय करने लायक कुछ धंधा होगा तब उसी को तो हम समाज बोलेंगे। ऐसे नहीं कि समाज में ओनली व्यक्ति रहते हैं, वो ओनली पूरे दिन देखे बैठे रहते हैं, देखे ऐसा समाज नहीं कहलाएगा। समाज में जो व्यक्ति रहते हैं उनके लिए देखे व्यवसाय भी होना ज़रूरी है। तो वो व्यवसाय क्या हो जाएंगे? उपतंत्र हो जाएंगे। तो क्या होगा? समाज उपतंत्रों का जाल है। समाज का प्रत्येक अंग छोटे छोटे उपतंत्रों से मिलकर बना है, जैसे विद्यालय, उद्योग, प्रशासनिक इकाइयां और चिकित्सालय। देखिए बहुत उदाहरण हो जाएंगे इसमें, यानी छोटे छोटे ये क्या है, उपतंत्र है, जिससे मिलकर क्या बना है, एक सोसाइटी बनी है। यह सभी उपतंत्र आपस में जुड़े हुए होते हैं। देखिए जो उपतंत्र है, जैसे विद्यालय है, उद्योग धंधे हैं, चिकित्सालय है, और जो आदि जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं तथा एक दूसरे का साथ देते हैं और एक अच्छे वातावरण का निर्माण करते हैं। यानी जो उद्योग धंधे हैं वो देखे एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को देखे ये साथ देते हैं, और इससे क्या होगा, एक अच्छे वातावरण का निर्माण होगा। तो इससे क्या, देखिए ये क्या हो गया, अंतर्व्यक्तिक संबंध हो गया, यानी विद्यालय और जो हॉस्पिटल है, उद्योग धंधे हैं, इनके मध्य क्या हो गया, अंतर्व्यक्तिक संबंध हो गया। नेक्स्ट है, यानी इसी प्रकार क्या हम कह सकते हैं कि विद्यालय में भी विभिन्न घटक मिलकर एक लघु समाज का निर्माण करते हैं। अब देखिए विद्यालय के विभिन्न घटक क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ बात की गई है कि इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यालय में भी विभिन्न घटक मिलकर एक लघु समाज का निर्माण करते हैं। तो विभिन्न घटक देखे विद्यालय के क्या क्या हो जाएंगे, जैसे एक तो विद्यालय का वातावरण, वो भी क्या होगा, एक घटक होगा। यानी विद्यालय का वातावरण क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए, अनुशासन रहित, देखिए अनुशासन सहित होना चाहिए वातावरण। और देखिए एक प्रधानाध्यापक से भी अच्छे संबंध होना चाहिए, छात्र से भी अच्छे संबंध होना चाहिए, और जो उसके साथी शिक्षक गण है एक शिक्षक के, उनसे भी देखिए अच्छा संबंध होना चाहिए। देखिए जो भी विद्यालय संस्था में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उन सबसे देखिए अच्छा संबंध होना चाहिए। वो क्या होते हैं, एक लघु घटक होते हैं। देखिए विभिन्न प्रकार के घटक विद्यालय में यही होते हैं, यानी जो भी संस्था में काम कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, घटक हो जाएंगे। तो ये क्या है, एक लघु समाज का निर्माण करते हैं। विद्यालय को हम कह सकते हैं कि यह क्या है, एक लघु समाज, यानी छोटा समाज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक अध्यापक के निम्न व्यक्तियों के साथ मधुर एवं विश्वसनीय संबंध होने चाहिए। देखिए अब देखेंगे हम कि एक अध्यापक के किन किन व्यक्तियों के साथ मधुर और विश्वसनीय संबंध होने चाहिए। फर्स्ट है छात्रों से, यानी एक अध्यापक के छात्रों से अच्छा संबंध होना चाहिए, मधुर संबंध होना चाहिए। उससे क्या होगा, छात्रों की देखिए पढ़ने में रुचि होगी। और यदि एक अध्यापक ऐसा है, बहुत देखिए कठोर अध्यापक है, दंड देने वाला अध्यापक है, तो क्या उससे अच्छे संबंध बना पाएंगे छात्र? देखिए नहीं बना पाएंगे, और देखिए शिक्षण में भी रुचि नहीं लेंगे, वो क्या करेंगे, उस अध्यापक से डरेंगे। तो देखिए एक छात्र से भी अच्छा संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे प्रधानाध्यापक से, तो देखिए एक अध्यापक के प्रधानाध्यापक से भी अच्छे संबंध होने चाहिए। यदि देखिए आपके प्रधानाध्यापक से अच्छे संबंध नहीं है, तो देखिए प्रधानाध्यापक आपकी कंप्लेन कर देंगे और आपके देखिए आपकी जो ड्यूटी है वो उसकी देखिए आपकी कंप्लेन कर देंगे, जिससे आपकी ड्यूटी देखिए दूसरे स्कूल में लग जाएगी। तो देखिए ऐसा आपको नहीं करना है, प्रधानाध्यापक से भी मधुर संबंध होने चाहिए, उनसे ज़्यादा देखिए वाद विवाद नहीं करने चाहिए। यदि प्रधानाध्यापक कहे कि आपको टाइम पर स्कूल आना है, तो देखिए आपको टाइम पर स्कूल आना जाना है। आपको ऐसे पढ़ाना है तो देखिए आपको कौन सा पीरियड लेना है, तो देखिए इसमें आपको वाद विवाद नहीं करना है। जो प्रधानाध्यापक टाइम टेबल बना रहे हैं देखिए उसके अनुसार ही आपको क्या करना है, चलना है। आपका देखिए यही काम है विद्यालय में। नेक्स्ट है साथी अध्यापकों से, यानी एक अध्यापक का साथी अध्यापकों से भी देखिए अच्छा संबंध होना चाहिए। यदि आप देखिए साथी अध्यापकों से अच्छा संबंध नहीं रखेंगे, यानी उनसे लड़ते झगड़ते रहेंगे, तो बच्चे देखिए आपका ही अनुकरण करेंगे, यानी आपसे ही सीखेंगे। यदि आप अन्य अध्यापकों से देखिए झगड़ते रहेंगे, तो बच्चे भी क्या करेंगे,
आपसे ही सीखेंगे और वो अपने साथियों से देखे लड़ते झगड़ते रहेंगे और अनुशासन देखे नहीं बना रहेगा विद्यालय में। नेक्स्ट है अभिभावकों से। देखिए, एक अध्यापक के अभिभावकों से भी अच्छा संबंध होना चाहिए, यानी आपको क्या करना है, अभिभावकों को देखिए, टाइम टू टाइम उनको जो उनके बच्चे हैं उनकी रिपोर्ट देनी है और उनसे देखिए बैड बिहेव नहीं करना चाहिए, अच्छा व्यवहार देखिए करना चाहिए अभिभावकों के साथ। नेक्स्ट है अन्य अधिकारियों से, यानी एक अध्यापक के अन्य अधिकारियों से भी अच्छा संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट है समाज के व्यक्तियों से। अब देखिए, एक अध्यापक होता है उसे ओनली विद्यालय से ही देखे मतलब नहीं रखना चाहिए, जो समाज के व्यक्ति हैं उनसे भी देखे अच्छे संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो समाज के व्यक्ति हैं उन पर कुछ ध्यान ही नहीं दे, जैसे आप घर से विद्यालय जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप जैसे समाज के कुछ व्यक्ति जा रहे हैं उनसे बोले ही नहीं और ऐसे ही निकल गए, देखे ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको नमस्ते वगैरह देखिए करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका चरित्र जो व्यवहार है वो देखिए समाज की नज़रों में आएगा, क्योंकि समाज एक शिक्षक को क्या मानता है, आदर्श मानता है, क्योंकि जो शिक्षक होता है वो समाज में भावी नागरिकों का निर्माण करता है। तो देखिए समाज के व्यक्तियों से भी अच्छा संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट है परिवार के सदस्यों से। अब देखिए, आपको यदि आप शिक्षक बन गए तो ऐसे नहीं कि हम तो क्या है एक शिक्षक है, हम तो देखिए अब कुछ नहीं है, बस ओनली शिक्षक है। देखिए जो परिवार के सदस्य हैं उनसे भी अच्छा संबंध होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक को क्या करता है, एक परिवार ही तो उसका पालन पोषण करता है, ऐसा तो है नहीं कि उसका जन्म हुआ और वो शिक्षक बन गया, क्योंकि एक परिवार ने ही उसका पालन पोषण किया है एक शिक्षक को, उसे शिक्षक बनाने में बहुत उनकी जिम्मेदारी होती है, उनके पेरेंट्स की, परिवार वाले सदस्यों की। तो देखिए उनके प्रति भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए, जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी देखिए टाइम देना चाहिए एक शिक्षक को। तो चलिए, आज हमने देखा है कि एक अध्यापक के किन किन व्यक्तियों के साथ मधुर और विश्वसनीय संबंध होने चाहिए। नेक्स्ट है, यानी इन सभी व्यक्तियों से एक अध्यापक को आदर्शात्मक, यानी जो छात्र है, प्रधानाध्यापक है, अभिभावक है, जो परिवार के सदस्य है, समाज के व्यक्ति और जो अन्य अधिकारी है, इनके साथ एक अध्यापक को आदर्शात्मक, प्रभावी, सहयोगात्मक, निष्ठात्मक तथा सामाजिक संबंध रखने चाहिए। यानी एक आदर्श, यानी उनको आदर्श मानना चाहिए और प्रभावी, देखिए प्रभावी संबंध भी होना चाहिए, सहयोगात्मक यानी सहयोग, यानी उनका सहयोग भी करना चाहिए, यानी जैसी परिस्थिति है उनके अनुकूल आपको सहयोग भी करना है उनका, निष्ठात्मक तथा सामाजिक संबंध उनके साथ देखिए रखने चाहिए। तो देखिए हमने पढ़ लिया है क्या, अंतर्व्यक्तिक संबंध। अब देखिए आपको बताना है क्या अंतर्व्यक्तिक संबंध आपको समझ में आ गया, सभी को बताना है कि अंतर्व्यक्तिक संबंध आपको समझ में आया कि नहीं आया। फिर हम देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए अब हम देखने वाले अंतर्व्यक्तिक संबंध से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन। आज हमारे 6 टॉपिक देखिए क्लियर हो जाएंगे, फिर हम देखिए आपके लिए क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन है, देखिए अध्यापक तथा अभिभावकों के मध्य अच्छे संबंध होते हैं, जो अध्यापक तथा अभिभावक होते हैं उनके मध्य अच्छे संबंध होते हैं, किसके हित में होते हैं, विद्यालय के हित में या फिर अध्यापक के आर्थिक हित में, अभिभावकों के हित में या फिर छात्र के हित में। अब देखिए अध्यापक किसको पढ़ाएगा, छात्रों को पढ़ाएगा, और अभिभावक किसके हैं, छात्र के हैं, तो संबंध किनके हित में होना चाहिए, छात्रों के हित में ही तो होगा, तो ऑप्शन डी देखिए राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, आप विद्यालय की ओर से किसी 3 दिवसीय भ्रमण पर जा रहे हैं, यानी टूर पर जा रहे हो आप 3 दिवस के टूर पर, वो भी विद्यालय की ओर से, तो प्रधानाध्यापक ने छात्रों को भी साथ लेकर जाने को कहा, इससे छात्रों के संबंध में आपका क्या मत है। यानी आप विद्यालय की ओर से किसी 3 दिवसीय भ्रमण पर जा रहे हैं, यानी आप एक शिक्षक हो और आपको आप शिक्षकों को विद्यालय की ओर से किसी 3 दिवसीय भ्रमण पर लेके जा रहे हैं और प्रधानाध्यापक ने छात्रों को भी साथ लेकर जाने को कहा, तो इससे छात्रों के संबंध में आपका क्या मत है, क्या इससे छात्रों का समय खराब होगा,
या फिर छात्रों को नया ज्ञान प्राप्त होगा, या फिर छात्रों के मेरे और अन्य संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के साथ अंतर संबंध बढ़ेंगे, या फिर मनोरंजन होगा। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, यदि छात्र भ्रमण पर जाएंगे तो उससे क्या होगा, ज्ञान तो उन्हें देखिए प्राप्त होगा ही होगा, उससे ज्यादा देखिए क्या होगा, छात्रों के मेरे यानी शिक्षक उनके साथ जाएंगे छात्रों के साथ, तो मेरे और अन्य संपर्क में आने यानी अन्य व्यक्तियों के साथ वो संपर्क में आएंगे तो उससे क्या होगा, उनका अंतर संबंध बढ़ेगा। तो ऑप्शन सी देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बालकों से अंतर संबंध स्थापित किए बिना उनका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, मूल्यांकन करने के लिए बालकों से अंतर संबंध देखिए स्थापित करना होगा, यानी बालकों से अच्छा व्यवहार करना होगा, मधुर व्यवहार करना होगा, तभी देखिए बालक आपको उत्तर देंगे। यदि आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, आपका देखिए बहुत दंडनीय व्यवहार है, तो क्या आपके आपके सामने अध्यापक वो जो छात्र है वो बोल पाएंगे, अच्छी प्रकार से आपको आंसर दे पाएंगे, लेकिन नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले बालकों से अंतर संबंध स्थापित करना चाहिए आपको, फिर उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो देखिए बालकों से अंतर संबंध स्थापित किए बिना उनका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए, देखिए नहीं किया जाना चाहिए, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सबसे पहले बालकों से अंतर संबंध स्थापित करना है, उनके बाद देखिए उनका मूल्यांकन करना चाहिए, ऑप्शन ए देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अध्यापन के साथ ही जो अध्यापन क्या होता है, देखिए जो पढ़ाना होता है, शिक्षण करवाना है, उसके साथ ही अध्यापक का एक दायित्व है अभिभावकों से संपर्क करना भी होना चाहिए। अध्यापन के साथ ही अध्यापक का एक दायित्व होता है कि जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनसे संपर्क करना भी होना चाहिए, देखिए जरूर होना चाहिए, बहुधा होना चाहिए, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक शिक्षक के समाज के व्यक्तियों के साथ संबंध कैसे होने चाहिए, बहुत अच्छे संबंध या फिर सामान्य या फिर कोई संबंध नहीं। तो देखिए आपने पढ़ा है अंतर्व्यक्तिक संबंध, तो आपको बताना है कि एक शिक्षक के समाज के व्यक्तियों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। पढ़ लिया आपने अंतर्व्यक्तिक संबंध, तो अब आपको देखिए राइट आंसर देना है, क्या होगा राइट आंसर, देखिए उन बच्चों को शेयर कर दीजिए जो क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चन वाली क्लास लेना चाहते हैं, देखिए अब उन बच्चों को शेयर कर दीजिए, और देखिए एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिए, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर क्या होगा, समाज के व्यक्तियों के साथ एक शिक्षक के कैसे संबंध होना चाहिए, बहुत अच्छे संबंध होना चाहिए, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आपकी कक्षा में प्रधानाध्यापक का पुत्र पढ़ता है, यानी आप जिस कक्षा में पढ़ा रहे हो आपको देखिए टीचर का नज़रिया रखकर देखे चलना है, आपको मानना है कि आप एक टीचर हो और उसके अनुसार आपको आंसर देना है, एक छात्र समझकर स्टूडेंट समझकर आपको आंसर नहीं देना है, देखिए एक टीचर समझकर आंसर देना है। तो आपकी कक्षा में प्रधानाध्यापक का पुत्र पढ़ता है, तो आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा होगा, अन्य छात्रों जैसा या फिर ठीक ठीक होगा या फिर चापलूसीपूर्ण होगा यानी भेदभावपूर्ण होगा, यानी अन्य बच्चों के साथ तो आप दंडनीय व्यवहार करोगे, अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, और जो प्रधानाध्यापक का पुत्र है उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे, या फिर विशिष्ट व्यवहार होगा यानी कुछ अलग व्यवहार होगा उस बच्चे के साथ, प्रधानाध्यापक के पुत्र के साथ, तो देखिए किस प्रकार का व्यवहार होगा आपके अनुसार। प्रधानाध्यापक के पुत्र के से आप कैसा व्यवहार करोगे, देखिए जिन्होंने ऑप्शन ए दिया है उनका करेक्ट आंसर है अन्य छात्रों जैसा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, छात्र उस अध्यापक से संबंध रखना पसंद करते हैं, किस अध्यापक से संबंध रखना पसंद करते हैं, जो छात्रों को खूब हंसाता हो या फिर कहानी सुनाता हो या फिर समझाकर पढ़ाता हो। देखिए यहाँ समझकर नहीं आएगा, यहाँ आएगा समझाकर पढ़ाने वाले
टीचर को अधिक पसंद करेंगे या फिर धारा प्रवाह भाषण करता हो, यानी जो भाषण देते देखे रुकता ही नहीं हो, उस टीचर को पसंद करेंगे। देखिए किस टीचर को पसंद करेंगे आप, कहानी सुनाने वाले को, वो तो कहानी सुनाता रह जाएगा और आपकी जब एग्जाम लगेगी तब आपके क्या आएंगे, 0 मार्क्स आएंगे। वो तो देखिए कहानी सुनाकर अपनी जो पेमेंट होता है वो अपना पेमेंट लेके चला जाएगा आपको कहानी सुनाकर, और जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपके देखिए 0 नंबर आएगा। छात्रों को खूब हंसाने वाला देखिए टीचर में ऐसी एक्टिविटी होती है जो वो आपको हंसा सकता है। या फिर उस अध्यापक को पसंद करेंगे जो समझाकर पढ़ाता हो, या फिर उस अध्यापक को जो आपको देखे भाषण देके चला जाए। तो हम किस अध्यापक को पसंद करेंगे, जिन्होंने ऑप्शन दी सी दिया है उनका देखे राइट आंसर है, यानी जो अध्यापक समझाकर पढ़ाता हो उनको देखे पसंद करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो आपको भी देखिए बच्चों को जब आप पढ़ाओगे तो आपको देखिए समझाकर ही पढ़ाना है, वहाँ देखिए टाइम पास आपको नहीं करना है। देखिए बीच बीच में हंसी मजाक तो चल जाता है, लेकिन देखिए पूरे कालांश में आपको हंसी मजाक ही नहीं करना है, आपको देखिए पढ़ाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि आप यदि टाइम वेस्ट करोगे वहाँ आप देखिए उन्हें कहानियाँ सुनाओगे तो देखिए बच्चों का भविष्य बर्बाद करोगे आप। तो आपको देखिए समझाकर उन्हें क्या कराना है, पढ़ाना है, शिक्षण करवाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा में मंद बुद्धि वाले छात्र पर शिक्षक को अधिक ध्यान देना चाहिए, इस कथन से आप सहमत है या फिर पूर्ण असहमत है या फिर आंशिक सहमत है या फिर प्राय? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। कक्षा में मंद बुद्धि वाले छात्र पर शिक्षक को अधिक ध्यान देना चाहिए, इस कथन से हम क्या है, सहमत है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। विद्यालय में जो अनुशासन संबंधित नियम बनाए जाते हैं, यानी अनुशासन रखने के लिए विद्यालय में नियम बनाए जाते हैं कि आपको टाइम पर स्कूल आना है और आपको देखिए जो स्कूल की वेशभूषा है उसमें आना है। देखिए यदि आपके जूते अलाउ कर रखे तो आपको चप्पल पहन के नहीं आनी है, जूते ही पहन के आना है, और आपको देखिए डेली नाखून काट के आपके जो कपड़े हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए, ये क्या होगा, अनुशासन होगा। तो विद्यालय में जो अनुशासन संबंधी नियम बनाए जाते हैं वो लागू होते हैं सरल एवं सीधे छात्रों पर, उद्दंड छात्रों पर, या फिर छात्र अनुशासन समिति पर, या फिर सभी छात्रों पर? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, जो विद्यालय के नियम होंगे अनुशासन के जो नियम होंगे वो देखिए सभी छात्रों पर लागू होने चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इसमें देखिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो प्रधानाध्यापक या फिर किसी शिक्षक का बच्चा आपके स्कूल में पढ़ने आता है तो देखिए वो अन्य वेशभूषा देखे घर वाले वेशभूषा पहन के आ जाए, देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे भी देखिए स्कूल ड्रेस ही पहन के आनी होगी, तब क्या होगा, विद्यालय में अनुशासन बने रहेगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, जीवन में जो सफलता होती है उसको प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, आत्मसंतोष, पिता का अधिकारी पद पर होना, परिस्थितियों से अच्छा समायोजन करना, या फिर अधिक धन का होना? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक होता है, परिस्थितियों से अच्छा समायोजन करना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी जैसी परिस्थिति है उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेना, वो क्या होगा, उसमें हम देखिए सफलता प्राप्त कर सकते हैं उस चीज़ से। जरूरी नहीं है कि हमारा पिता है, जो पापा है हमारे, वो यदि कुछ अधिकारी पद पे होंगे और तब हमें सफलता मिलेगी, देखिए ये निश्चित नहीं है। जैसी परिस्थिति है उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेना, तब क्या होंगे, आप सफल होंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन सी दिया है देखिए उनका राइट आंसर है। तो चलिए अब आपको बताना है कैसी लगी आज की क्लास। देखिए क्लास को देखने के लिए सभी को धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार है, देखिए सभी लास्ट तक इस सेशन में बने रहे इसके लिए सभी को धन्यवाद। देखिए अब आपको
सेशन अच्छा लगा हो तो देखिए आपको सेशन को लाइक ज़रूर करना है। सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ देखिए सेशन को शेयर करना है। और जो देखिए आज ही इस चैनल पर जुड़े हैं वो देखिए जो हमने 6 टॉपिक क्लियर किए हैं शिक्षण अभिरुचि के वो आपको देखिए पढ़ लेना है। यदि ये टॉपिक आपके क्लियर हो गए तो आपको मान लेना है आपके देखिए 120 नंबर तो देखिए पक्के हैं। शिक्षण अभिरुचि में 120 नंबर देखिए आपके कोई नहीं काट सकता यदि आपको देखिए ये 6 टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे तो। 150 नंबर का देखिए आपको पता होगा कि शिक्षण अभिरुचि का 150 नंबर का पेपर आता है, यानी 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का आता है, तो कितने होंगे 150 हो गए ना। तो यदि आपके देखिए ये 6 टॉपिक क्लियर है तो आपके देखिए 120 नंबर तो देखिए पक्के हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट डे से आपके लिए क्वेश्चन की सीरीज़ देखे लेकर आने वाले हैं, उसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। और देखिए सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करना। और देखिए ये जो बीच बीच में बातें करते हैं क्लास के बीच में, देखिए ये छोड़ दीजिए आप। तो चलिए आज की क्लास हम यही एंड करते हैं।